पीछे देखा तो ये जाना सनम। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बारे में। दोस्तों आपने सही सुना, दोस्तों आज की इस वीडियो में बातें करेंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में एंड तक जुड़ रहें। और दोस्तों आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई सुपरस्टार शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के बारे में। इस फिल्म का डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म का डायरेक्ट किया था और इस फिल्म का लिखित आदित्य चोपड़ा ने लिखे थे, जबकि फिल्म का प्रोड्यूसर यश चोपड़ा ने किया था। और फिल्म में सुपरस्टार शाहरुख खान, काजोल जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और बात करें दोस्तों फिल्म में शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में दिखाई देंगे और वैसे ही काजल सिमरन सिंह के रूप में दिखाई देगी। फिल्म में अमरीश पुरी, चौधरी बलदेव सिंह सिमरन के पिता के किरदार निभाया है और फरीदा जलाल सिमरन की मां के रूप में दिखाई देगी। अजीत सिंह के रूप में सतीशा भारत ने बलदेव के मित्र के रूप में किरदार निभाया है। और वैसे ही दोस्तों बात करें हिमानी सिंह पुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है। और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमीत सेठी ने अजीत के पिता कुलदीप सिंह के रूप में किरदार निभाया है। और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात करें इस फिल्म का संगीतकार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार जीतन ललिता द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित एएफ फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीत एवं रोमांस फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के दिग्गज घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं।
राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके। और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 में अगस्त 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी $60 बिलियन की अनुमानित कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेगी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है जबकि राज का पालन पोषण उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है जो बहुत उदार है और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। पुत्र बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कह दी है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उनकी 1999 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग
खान। किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993 डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 दिल को पागल है 1997 कुछ कुछ होता है 1998 मोहब्बत है 2000 और कभी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लीय और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली अभिनेती भूमिका लेफ्ट टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नजर डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीत मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियन 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। अन्य धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और बगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इनक्विज़ एनी और गेस्ट रेस्पॉन्स 1989 में इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दिलीप दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णा मूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में
Reddit.com नेम की सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर और बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों बाद में अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1996 में खान की सभी चार फिल्म की हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। लेकिन अगले वर्ष अजीत मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बॉस में आदित्य पंचोली और सुनील चावला के साथ उनकी अभिनीति ने उन्होंने सुपरस्टार के प्रवासी टीम वाले सम्मानित नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सम्मान सम्मानना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों बातें फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है जिनमें से उन्हें अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों बातें हैं अभिनेत्री काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सतना और अपनी मां तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और कीर्ति के खिलाफ संध्या के चित्र से याद हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 1.5 मिलियन US $2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थका देने वाला अनुभव था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोला राम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और उन्नीस सौ सड़सठ से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पूरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुर्गो के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक और जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीति फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया और अमरीश पुरी ने नियमित रूप से बाद की सुभाष घई की फिल्मों में दिखाई देने लगे। अमरीश पुरी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च और शासन किया। उनकी दबदबे वाली स्क्रीन उपस्थिति और माध्यम आवाज ने उन्हें दिल के फरीदा जलाल सिमरन की मां के रूप में दिखाई देगी। अजीत सिंह के रूप में सतीश शाह भारत में बदले बलदेव के मित्र के रूप में किरदार निभाया है और वैसे ही दोस्तों बात करें हिमानी शिवपुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमीत सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों बात करें इस फिल्म का संगीतकार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार जीतन ललिता द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित AA फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियां के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके, और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 में अगस्त 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की, यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी, और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है, और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है, और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है, और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है, जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है, जो बहुत उदार है, और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है, और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं, और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रूर बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया, और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है, और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है, और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है, और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है।
वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उनकी 1999 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें सन 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। सन 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज़ खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लियम और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के सह अक्षय हैं, अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली अभिनीति भूमिका लेख टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन क्विच एनी और गिव्स द डेस ओन्स 1989 में इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई।
जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दिलीप दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णा मूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने कि सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर और बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान। 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्म फेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल। काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वह 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें से उन्हें अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल। काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और अविष्ट की और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5 मिलियन यूएस 2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई।
1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी, और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थका देने वाला अनुभव था। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लॉर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोलर राम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और उन्हें 1967 से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे। और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए, और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट टेस्ट में असफल रहे हैं, और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1990 के दशक के दौरान 1970 के दशक के दौरान पूरी अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुर्गो के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम पांच में देखा गया था, जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी, और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा। और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक और जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया। और अमरीश पुरी ने नियमित रूप से बाद की सुभाष घई की फिल्मों में दिखाई देने लगे। हिमानी शिव पुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है, और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमित सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है, और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात करें इस फिल्म का संगीतकार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार अजीतन ललिता द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म द्वारा उत्पादित किया गया था, और इस फिल्म का वितरित ए फिल्म द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था, और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी।
और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियां के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 में अगस्त 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है जो बहुत उदार है और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रूर बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो
सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उन्हें से 99 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें सन 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। सन 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लीय और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली अभिनीति भूमिका लेक टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन क्विच एनी और गिव्स द डेस ओन्स 1989 में इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार
किंग खान 1993 की अपने रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर, जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने की सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर और बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान, 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है जिनमें से उन्हें अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5 मिलियन US 2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से
हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थक्का देने वाला अनुभव था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोला राम के रूप में जाना जाता है। बाकी दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और उन्नीस सौ सड़सठ से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे। और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुर्गो के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था, जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक और जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया। पूरन की मां के रूप में दिखाई देगी। अजीत सिंह के रूप में सतीशा भारत में बदले बलदेव के मित्र के रूप में किरदार निभाया है। और वैसे ही दोस्तों बात करें हिमानी शिवपुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है। और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमित सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है। और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात करें इस फिल्म का संगीतकार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार जीतन ललिता द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था।
बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित एए फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में, इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है जो बहुत उदार है और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है।
काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रूर बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उन्हें से 99 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993 डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 दिल तो पागल है 1997 कुछ कुछ होता है 1998 मोहब्बतें सन 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। सन 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज़ खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013 हैप्पी न्यू ईयर 2014 दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लीय और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के सह अक्षय हैं अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली अभिनेती भूमिका लेफ टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म
इन क्विच एनी और गिव्स द डेसोन्स 1989 में इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णा मूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने कि सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज कमजोर और बचकाना शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है जिनमें से उन्हें अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5
मिलियन यूएस 2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रियाम चोपड़ा की भूमिका निभाई, जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थक्का देने वाला अनुभव था। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोलर नाम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और 1967 से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे। और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुरु के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था, जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा। और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक और जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया। और अमरीश पुरी ने नियमित रूप से बाद की सुभाष घई की फिल्मों में दिखाई देने लगे। अमरीश पुरी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च और शासन किया। उनकी दबदबे वाली स्क्रीन उपस्थिति और फिल्म में अमरीश पुरी चौधरी बलदेव सिंह सिमरन के पिता के किरदार निभाया है और फरीदा जलाल सिमरन की मां के रूप में दिखाई देगी।
अजीत सिंह के रूप में सतीश शाह भारत में बदले बलदेव के मित्र के रूप में किरदार निभाया है। और वैसे ही दोस्तों बात करें हिमानी शिवपुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है। और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमित सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है। और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों अब बात करें इस फिल्म का संगीतकार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार जीतन ललिता द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित AA फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियां के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है जो बहुत उदार है और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है
और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रूर बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उन्हें से 99 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज़ खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लियम और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली अभिनीत भूमिका लेफ्ट टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी।
जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन क्विच एनी और गिव्स द डेस ओन्स 1989 में। इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णा मूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने कि सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज कमजोर और बचकाना शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है जिनमें से उन्हें
उन्होंने अपने दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल। काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5 मिलियन यूएस 2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थक्का देने वाला अनुभव था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोलर नाम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और 1967 से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुरु के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा और 1982 में अमरीश पुरी ने सुब्बास गाई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक और जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिल्म उस वर्ष उन्हें फिर
फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में घाय सुभाष घाई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया। हिमानी शिवपुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है। और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमीत सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है। और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों बात करें इस फिल्म का संगीतकार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार अजीता ललिता द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित AA फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में, इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है जो बहुत उदार
उदार है और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रूर बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उन्हें से 99 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें सन 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। सन 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लीय और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली फिल्म
पहली अभिनीति भूमिका लेख टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन क्विच एनी और गिव्स द डेस ओन्स 1989 में। इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर, जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णा मूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने कि सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज, कमजोर और बचकाना, शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान, 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही। लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें से उन्होंने अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों बातें फिल्म अभिनेत्री काजल। काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5 मिलियन US$2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की 34 सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थक्का देने वाला अनुभव था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोलर राम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और 1967 से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुरगो के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक
और जगवर्धन जगवर जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में घाय सुभाष घाई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमीत सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों बात करें इस फिल्म का संगीतकार, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार अजीतन ललिता द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित ए फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में, इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है जो बहुत उदार
उदार है और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रुद्र बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उन्हें से 99 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लियम और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली फिल्म
पहली अभिनीति भूमिका लेख टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन क्विच एनी और गिव्स द डेस ओन्स 1989 में। इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर, जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और करने भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने की सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज कमजोर और बचकाना शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही, लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया। 1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें से उन्होंने अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल। काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्कार और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5 मिलियन US 2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थक्का देने वाला अनुभव था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोला राम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और 1967 से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे। वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुरगु के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक
और जगवर्धन जगवर जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में घाय सुभाष घाई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया और अमरीश पुरी ने नियमित रूप से बाद की सुभाष घाई की फिल्मों में दिखाई देने लगे। अमरीश पुरी ने 1980 और 1990 के दशक बात करें दोस्तों फिल्म में शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में दिखाई देंगे और वैसे ही काजल सिमरन सिंह के रूप में दिखाई देगी। फिल्म में अमरीश पुरी चौधरी बलदेव सिंह सिमरन के पिता के किरदार निभाया है और फरीदा जलाल सिमरन की मां के रूप में दिखाई देगी। अजीत सिंह के रूप में सतीशा भारत में बदले बलदेव के मित्र के रूप में किरदार निभाया है और वैसे ही दोस्तों बात करें हिमानी शिवपुरी सिमरन की मौसी के रूप में किरदार निभाई है। पूजा रूपाले सिमरन की बहन के किरदार निभाई है और वैसे ही अनुपम खेर राज के पिता धर्मवीर मल्होत्रा के रूप में किरदार निभाया है। और बात करें दोस्तों इस फिल्म में परमीत सेठी ने अजीत के बेटे कुलजीत सिंह के रूप में किरदार निभाया है और मंदिरा देवी प्रीति सिंह अजीत की बेटी के रूप में दिखाई देंगे। दोस्तों बात करें इस फिल्म का संगीतकार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का संगीतकार जीतन ललिता द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। बात करें दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी का उत्पादक कंपनी यशराज फिल्म्स द्वारा उत्पादित किया गया था और इस फिल्म का वितरित AA फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। 20 अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इस फिल्म का समय सीमा 189 मिनट की बनाई गई थी और इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया था। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में बजट 400 मिलियन की आसपास बजट लगी थी और इस फिल्म का कुल कारोबार यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2 बिलियन की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों बात करें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसे इंग्लिशियम और डीडी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 1995 की भारतीय हिंदी भाषा की संगीतम रोमांस फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने अपने निर्देशन में लिखा है और निर्देशित किया है। यश चोपड़ा 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान और काजल ने अभिनय किया है। साजिश राज और सिमरन के इर्द गिर्द घूमती है दो युवा अनिवासी भारतीय जो यूरोप में अपने दोस्त के साथ छुट्टियों के दौरान प्यार में पड़ जाते हैं। राज सिमरन के परिवार को जीतने की कोशिश करता है और ताकि जोड़े शादी कर सके और लेकिन सिमरन के पिता ने लंबे समय से अपने दोस्त के बेटे को अपना हाथ देने का वादा किया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर 1994 से अगस्त 1995 तक भारत लंदन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। दुनिया भर में 2 बिलियन की कमाई की यानी US$60 मिलियन की अनुमति कुल कमाई के साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म 1995 की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी और इतिहास की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में से एक थी और इसने 10 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। उस समय एक ही फिल्म के लिए सबसे अधिक और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम 1990 के दशक में सबसे लोकप्रिय में से एक बन गया है और कई आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की जो एक साथ
जो एक साथ मजबूत पारिवारिक मूल्यों और अपने स्वयं के दिल का अनुसरण करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी है और इसकी सफलता ने अन्य फिल्म निर्माताओं को अनिवासी भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रेरित किया। बात करें दोस्तों इस फिल्म की कहानी के बारे में। इस फिल्म का कहानी राज मल्होत्रा और सिमरन सिंह दोनों लंदन में रहने वाले अनिवासी भारतीय NRI है और सिमरन की परिवार उसके माता पिता बलदेव सिंह और लाजवंती नेकी है। बलदेव सिंह एक सख्त और रूढ़िवादी पिता है, जबकि राज का पालन पोषक उनके पिता धर्मवीर मल्होत्रा ने किया है, जो बहुत उदार है। और सिमरन महेशा अपने आदर्श पुरुष से मिलने का सपना देती है और उसकी माँ लज्जो ने उसे इसके खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि सपने अच्छे हैं और लेकिन किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो सच होते हैं। और एक दिन बलदेव को अपने दोस्त अजीत से एक पत्र मिलता है जो पंजाब भारत में रहता है। अजीत 20 साल पहले एक दूसरे से लिए गए और वादे को निभाना चाहता है। सिमरन को उसके बेटे कुलजीत से शादी करने के लिए सिमरन निराश है, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती है जिससे वह कभी नहीं मिली है। एक शाम राज बियर और खरीदने का समय बंद करके बलदेव की दुकान में प्रवेश करता है। बलदेव मना कर देता है, लेकिन राज बियर का एक केस पकड़ा लेता है, काउंटर पर पैसे फेंक देता है और भाग जाता है। क्रूर बलदेव ने राज को भारत का अपमान बताया और इसी बीच धर्मवीर अपने दोस्त के साथ पूरे यूरोप में ट्रेन यात्रा पर जाने के उनके अनुरोध पर सहमत हो जाता है और सिमरन के दोस्त ने उसे उसी यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित किया है। और सिमरन ने बलदेव से शादी से पहले उसे दुनिया देखने के लिए कहती है और वह अनिच्छा से सहमत हो जाता है। वैसे ही दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान यानी शाहरुख खान सर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काफ़ी अपने ज़बरदस्त भूमिका निभाया है। भारतीय फिल्म अभिनेता फिल्म निर्माता टेलीविजन व्यक्तित्व है जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में बॉलीवुड के बादशाह उन्हें से 99 की फिल्म टेलीविजन बादशाह के संदर्भ में बॉलीवुड के बादशाह और किंग खान के रूप में संदर्भित। उन्हें 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। 14 फिल्में फेयर सहित कई प्रशंसा अर्जित की है और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान ने 1980 के दशक के अंत कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में अपने अभिनय के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1992 में दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया और अपने करियर की शुरुआत में खान को बाजीगर 1993, डर 1993 और अंजाम 1994 फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए पहचाना गया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995, दिल तो पागल है 1997, कुछ कुछ होता है 1998, मोहब्बतें 2000 और कभी खुशी कभी गम सहित रोमांटिक फिल्मों की एक श्रृंखला में अभिनय करने के बाद वह प्रमुखता से उभरे। 2001 में एक शराबी के चित्रण के लिए खान ने आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की और देवदास 2002 और स्वदेश में नशा के वैज्ञानिक 2004 और चक दे इंडिया हॉकी कोच भारत 2007 और माय नेम इज खान 2010 में एक एस्पर्गर सिंड्रोम वाला एक आदमी उनकी सबसे अधिक
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से कॉमेडी चेन्नई एक्सप्रेस 2013, हैप्पी न्यू ईयर 2014, दिलवाले 2015 और क्राइम फिल्म रईस 2017 शामिल है। उनकी कई फिल्में भारतीय राष्ट्रीय पहचान और प्रवासी समुदाय या लिंगी नस्लीय और सामाजिक और धार्मिक मतभेदों और शिकायतों के साथ संबोधित प्रसिद्ध करती है। 2015 तक खान ने मोशन पिक्चर प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और उसकी सहायक कंपनियों के अध्यक्ष हैं और इंडिया प्रीमियर लीग क्रिकेटर की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की मालिक है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान सर की करियर की शुरुआत खान की पहली अभिनेती भूमिका लेख टंडन की टेलीविजन श्रृंखला दिल दरिया में थी, जिसकी शूटिंग 1988 में शुरू हुई थी और लेकिन उत्पादन में देरी के कारण राजकुमार कपूर द्वारा निर्देशित 1989 की श्रृंखला फौजी उनके टेलीविजन की शुरुआत बन गई। श्रृंखला में जिसे सेना के कांस्टेबल को परीक्षण पर एक यथार्थवादी नज़र डाली गई और उन्होंने अभिमन्यु राय की भूमिका निभाई। इसने अजीज मिर्जा की टेलीविजन श्रृंखला सर्कस 1989 और 1990 और मनी कॉल की लघु श्रृंखला एडियट 1992 में और अधिक उपस्थिति दर्ज कराई। खान ने धारावाहिकों में मामूली भूमिका निभाई और उन्हें उम्मीद 1989 और वगले की दुनिया 1988 और 1990 और अंग्रेजी भाषा की टेलीविजन फिल्म इन क्विच एनी और गिव्स द डेस ओन्स 1989 में। इन धारावाहिकों में उनकी उपस्थिति ने आलोचकों को उनके लुक और अभिनय शैली की तुलना की। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1993 की अपनी रिलीज खान ने बॉक्स ऑफिस पर दो हिट फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने के लिए सबसे अधिक सराहना मिली। फिल्म बाजीगर में एक कातिल और डर में एक जुनूनी प्रेमी बाजीगर, जिसमें खान ने एक स्पष्ट बदला लेने वाले की भूमिका निभाई जो अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और भारतीय दर्शकों को मानक और बॉलीवुड पर फॉर्मूला में अप्रत्याशित उल्लंघन से चौंका दिया। 1994 में शाहरुख खान ने कुंदन शाह की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी हाँ कभी ना में दीपक तिजोरी की सुचित्रा और कृष्णमूर्ति के साथ एक प्रेम और ग्रस्त संगीतकार की भूमिका निभाई, जिसे बाद में उन्हें स्वीकार किया और यह उनकी पसंदीदा भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया और 2004 की पूर्व व्यवसाय समीक्षा में Reddit.com ने की सुकन्या वर्मा ने इसे खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संदर्भित किया। उन्हें सहज कमजोर और बचकाना शरारती और सीधे दिल से अभिनय करना कहा। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार किंग खान 1996 में खान की सभी चार फिल्म रिलीज हुई और समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से विफल रही, लेकिन अगले वर्ष अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी यश बस में आदित्य पंचोली और जूही चावला के साथ उनकी अभिनीति में उन्होंने सुभाष घई के प्रवासी थीम वाले सामाजिक नाटक परदेश में अभिनय किया। एक नैतिक और दुविधा का सामना कर रहे और संगीतकार अर्जुन को चित्रित किया। इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक के रूप में उद्धृत किया।
1997 में खान की अंतिम रिलीज लोकप्रिय संगीत रोमांस दिल तो पागल है में यश चोपड़ा के साथ दूसरा सहयोग था। उन्होंने माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर के बीच प्रेम त्रिकोण में एक पकड़े गए एक मंच निर्देशक राहुल को चित्रित किया। फिल्म और उनके प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और खान ने फिल्मफेयर में अपना तीसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री सुपरस्टार अभिनेत्री काजल। काजल ये एक भारतीय अभिनेत्री है और ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में काफ़ी अपने जबरदस्त भूमिका निभाई है। एक भारतीय अभिनेत्री है और मीडिया में इन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। वह 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में सहित वह कई प्रशंसकों की प्राप्तकर्ता है जिनमें से उन्हें अपनी दिवंगत और चाची नूतन के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की जीत का रिकॉर्ड साझा किया। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेत्री काजल। काजल ने 17 साल की उम्र में 1992 के रोमांटिक ड्रामा बेखुदी में एक और नवोदित कलाकार और कमल सदना और अपनी माँ तनुजा के साथ अभिनय की शुरुआत की। काजल ने राधिका की भूमिका निभाई और जिसे अपने माता पिता की आविष्की और कीर्ति के खिलाफ सदना के चित्र से प्यार हो जाता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी और अगले वर्ष उन्हें अब्बास मस्तान की अपराध थ्रिलर बाजीगर 1993 में लिया गया और जो 182.5 मिलियन US$2.4 मिलियन के साथ राजस्व के साथ वर्ष की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। शाहरुख खान के सह कलाकारों की शिल्पा शेट्टी और फिल्म में काजल ने प्रिया चोपड़ा की भूमिका निभाई जो एक युवा महिला है और जिसे अपनी बहन के हत्यारे से प्यार हो जाता है। उसकी पहचान से अनजान बाजीगर खान के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि उनके प्रदर्शन ने आलोचनात्मक ध्यान आकर्षित किया और काजल की उनके लुक के लिए आलोचना की गई। 1994 में काजल उद्धार की जिंदगी में एक अनाथ लड़की के रूप में दिखाई दी और जो अपने बिछड़े दादा दादी जितेंद्र और मौसमी चटर्जी से मिलने जाती है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। हालांकि काजल को बंगला फिल्म और जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हिंदी का नाम दिया गया। फिल्म काजल के लिए भावनात्मक रूप से थक्का देने वाला अनुभव था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक भारतीय अभिनेता है जो भारतीय मंच और सिनेमा के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाबी हिंदी सिनेमा के साथ साथ अभिनय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्योग में प्रतिष्ठा खलनायक की भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। भारतीय दर्शकों के लिए उन्हें शेखर कपूर की हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया 1987 में मोगेम्बो के रूप में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है और पश्चिमी दर्शकों के लिए उन्हें स्वीट एस्टीवन और एसपी लर्ग की हॉलीवुड फिल्म मोलर नाम के रूप में जाना जाता है। बात करें दोस्तों भारतीय फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी ने 1967 में और उन्नीस सौ सड़सठ से 2005 के बीच 500 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और बॉलीवुड में सबसे सफल खलनायक में से एक थे और इनमें से ज़्यादातर हिट फिल्म पुरी पहली बार 1950 में दशक की शुरुआत में अपने बड़े भाइयों के मदन पुरी और चमन पुरी के नक्शे और कदम पर चलते हुए बॉम्बे आए और जो पहले से ही खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले अभिनेता थे।
वह अपने पहले स्क्रीन टेस्ट टेस्ट में असफल रहे हैं और इसके बजाय उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम श्रम और रोजगार मंत्रालय की नौकरी मिल गई थी। 1990 के दशक के दौरान 1970 के दशक के दौरान पूरी अमरीश पुरी की अक्सर सहायक भूमिका में काम करते थे। आमतौर पर मुख्य खलनायक में गुर्गो के रूप में उन्हें 1980 की सुपरहिट फिल्म हम 5 में देखा गया था, जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया जाने लगा और 1982 में अमरीश पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक और जगवर चौधरी की भूमिका निभाई। उस वर्ष उन्हें फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की सह अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जेके की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने इन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक के रूप में पासा के रूप में कास्ट किया और अमरीश पुरी ने नियमित रूप से बाद की सुभाष घई की फिल्मों में दिखाई देने लगे। अमरीश पुरी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च और शासन किया। उनकी दबदबे वाली स्क्रीन उपस्थिति और माध्यम आवाज ने उन्हें दिन के अन्य खलनायकों के बीच खड़ा कर दिया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा और दोस्तों, हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।